और आइए सुनते हैं यहाँ पर मौलाना कलबे जवाद से सलाम टीवी की खास बातचीत। मैं सर इस वक्त मौलाना कलबे जवाद साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आप लोग लगातार इसकी मुखालफत करते आ रहे हैं, जेपीसी भी गए, पार्लियामेंट गए, क्या कुछ रहा वहाँ पर अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने पहले ही कहा था जीपीसी सिर्फ धोखा है, इनको सिर्फ इसको जो है वो पास करवाना है और हमारे अवकाफ को ख़त्म करना है कट्टरपंथी लोगों को खुश करने के लिए, इलेक्शन में वोट लेने के लिए। सिर्फ वोटिंग का काम है, इलेक्शन के वो है नज़र में कोई ना वक्फ ना कुछ, बल्कि चाहे कि वो चाहते कट्टरपंथी खुश हो जाए कि हमने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचा दिया, लिहाजा हमें वोट दो। ये सिर्फ खेल है, इसके अलावा कोई खेल इनका नहीं है। जीपीसी से आपको कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं, हल्की सी उम्मीद नहीं भाई। वो जो है उसके जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है वो बीजेपी के मेंबर है, क्या बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं? वो जो उनको ऑर्डर दिया जाएगा वो उसी के साथ इसी हिसाब से रिपोर्ट देंगे, और ऑर्डर उनको यही है कि आप इसको पास करवा दीजिए, इस बिल को पास करवा दीजिए। लिहाजा वो सिर्फ जीपीसी सिर्फ धोखा है टोटल। गृह मंत्री अभी रिपोर्ट आई नहीं, इसी से अंदाजा आप कर लीजिए, रिपोर्ट आई नहीं हो कह रहे हैं पास करवाएंगे। गृह मंत्री क्या इसका मतलब? जीपीसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं उनकी निगाहों में। दूसरा अहम सवाल, कल देर रात से जिस तरीके से लगातार ईरान का हमला हुआ इसराइल के ऊपर, इस पर आपको क्या कहना है कि जिस तरीके से लगातार इसराइल की तरफ से भी हमले हो रहे थे, ईरान ने अब जवाब दिया उसका? मुसलसल ईरान से कह रहा था कि आप गजा पर हमला बंद करें, आप गजा पर हमला बंद करें वरना हम आप पर जो है उसकी सज़ा देंगे आपको। आप 45,000-50,000 उन्हें छोटे छोटे बच्चों को मारा है, छोटे औरतों को मारा है अस्पताल में, स्कूलों आप देखिए तो इंटरनेट पर सब दिया तस्वीरें कि इंटरनेट पर एक स्कूल की तस्वीर है जहाँ बच्चों की लाशें, सैकड़ों बच्चों की लाशें उस पर हैं, स्कूल में सैकड़ों बच्चों की लाशें पड़ी हुई है, उसे बम मारा है। तो कब तक बर्दाश्त किया जाए इसको? दुनिया बेगैरत है, लेकिन ये जो सच्चे लोग हैं वो बेगैरत नहीं है। वो लिहाजा यहाँ के ऊपर अरब मुल्क बेगैरत हैं, अरब मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है, सुन लीजिए, फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है, सब अहले सुन्नत है, सब अरब्स हैं। लेकिन आप देखिए जितने भी अरब मुल्क हैं सब खामोश हैं, अरब मारे जा रहे हैं खामोश। लेकिन वजह क्या लग रही है अरब देशों के खामोशी? ये बिल्कुल स्लेव्स हैं, इस पर पूरा कब्जा कर रखा, चारों तरफ से इनको घेर रखा है। भाई तुर्की में बेस है, तुर्की नहीं बोल सकता, सऊदी अरब में बेस है, सऊदी अरब नहीं बहरीन में बेस है, अगर ज़रा सा बोलेंगे भी तो उसी वक्त अमरीका इनकी तबाह तहस नहस कर देगा इनको। तो अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं फिलिस्तीनियों की, अरब मुल्क जो है ये गुलाम। इसीलिए किसी ने कहा कि शहजादे ने बयान दिया है सऊदी के, हमने शहजादा नहीं है, वो स्लेव है, दे आर स्लेव, गुलाम है वो अमरीका इसराइल के। बात कर रहे थे कि नक्शा जो अब इसराइल ने गेटर, अभी तो आप बात नहीं कर रहे हैं, वो मौजूद है, बात नहीं है, ये आप रख लीजिए इसको, ये है ग्रेटर इसराइल, ये कैमरा है, ये ग्रेटर इसराइल है। और ये जो फ्लैग, जो फ्लैग पर दो नीले निशान है, ये निशान क्या है? एक दरिया नाइल है और एक दरिया यूफ्रेट है, फरात है जिसको यूफ्रेट कहते हैं, और ये दरिया नाइल, इस दोनों के बीच में उसने कहा कि सब हमारी जमीन, हम लेंगे इसको, ये नहीं खाली दिखा रहा है, हम लेंगे इसको। अब मुझे इतना बता दीजिए कि कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा अगर कोई पाकिस्तान कोई दिखा देता है, कोई मुल्क कंट्री पाकिस्तान का हिस्सा है ये कश्मीर, पूरा इंडिया हंगामा मचा देता है, हम सिफारती ताल्लुकात तोड़ लेंगे, तुमने हमारी हिस्से को जो है वो आपने दिखा दिया पाकिस्तान में, और यहाँ पूरे पूरे मुल्क अपने नक्शे में दिखा रहा है, पूरे पूरे मुल्क। इसराइल ने कहा कि इसका जवाब बहुत जल्द दिया जाए, जवाब दिया दे तो जवाब वो जवाब नहीं देगा, उसकी हैसियत ही नहीं है, वो तो एक मामूली सा गुंडा है, असल गुंडा तो अमरीका है, गुंडों का सरपरस अमरीका है, ये तो छोटा सा एक गिरोह है गुंडों का, उसका एक बॉस होता है, तो गुंडों का बॉस जो है अमरीका है और इसराइल उनका एक गुंडा है, तो सारी सपोर्ट जितने असल हैं सब अमरीका के हैं उसके पास, ये बंकर बस्टर बम क्या है इसराइल के जो उसने डाले थे उसके हिजबुल्लाह के ऊपर, ये सब अमरीका ने उससे सप्लाई किए हैं, एक एक असलहा अमरीका ने सप्लाई किया हुआ है, और जो ये रोकते हैं ये अमरीका के जो वहाँ पर युद्ध पोस्ट है वो मिजाइल रोकते हैं, तो असल लड़ाई अमरीका से इसराइल से नहीं है, असल अमरीका से लड़ाई। लेकिन ये कि हमारा जो है इमाम हुसैन जो हम जिनको मानते हैं उनका पैगाम ये है कि चाहे सर कट सकता है तुम्हारा मगर जुल्म के सामने सर झुक नहीं सकता। जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार ईरान और इसराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है चला आ रहा है, देर रात जिस तरीके से ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर वो भी जग जाहिर है, लेकिन साफ तौर पर है कि जैसा मौलाना कलबे जवाद ने कहा कि हुसैनी को मानने वाले सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। गोपाल सिंह के साथ सलाम टीवी दिल्ली।